नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। शिखर सम्मेलन पंजाब में हमारे तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल पंजाब में पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए, यहां की राजनीति 360 डिग्री घूम गई, यानी पंजाब में एक नई राजनीति देखने को मिली जिस पर न सिर्फ पूरे देश की निगाहें हैं बल्कि दुनिया भी बहुत ध्यान से देख रही थी। ऐसे में पंजाब में वाकई में क्या कुछ बदला है? नई सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन पंजाब में क्या बदला है उसी का आज हम मूल्यांकन इस मंच से कर रहे हैं। हम लोग चंडीगढ़ में मौजूद हैं और इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में मेरे साथ अब जो मेहमान मंच पर जुड़ेंगी, सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहां पर सरबजीत कौर मनुके जी हैं, आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका मंच पर। बीवी जागीर कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शिरोमणि अकाली दल से आप एसजीपीसी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का मंच पर। कृपया मंच पर पधारें, आइए। शुरुआत सरबजीत जी आपसे, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं और जो सरकार में होता है उसकी जिम्मेदारी भी होती है और जवाबदेही भी होती है। पहले तो यही बता दीजिए कि महिलाओं के लिए क्या किया इतने दिनों में आप लोगों ने, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने चुना है आप लोगों को। पंजाब सरकार ने, मेरे पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया था। 92 सीट्स मेरे ख्याल से आज तक तो नहीं आई थी, यह सिर्फ इसीलिए आई कि लोग चाहते थे देयर मस्ट बी समथिंग चेंज।